फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने क्वार्टर में एंड इसका हालत देख के ऐसा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, फाइनली मैं जा रही हूँ क्वार्टर में, आर्मी क्वार्टर में। तो अभी नीरज का पक्का नहीं है, 50-50 है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो अभी मम्मी पापा मैं हम तीनों जा रहे हैं। सो चलते हैं एंड यस, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने वहाँ पे आर्मी क्वार्टर को एंड मैंने जो किचन सजाया था वो भी देखना जाके सब ठीक ठाक है कि नहीं है। बाय बाय, मत जाओ प्लीज। फाइनली गाइज, इसका बनवास खत्म हो रहा है एक महीने का। yes, so ये अपने पति देव के पास जा रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। चलो फिर बाय 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 बाय, ध्यान से जाना। ओके तो बाय 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 बाय। थैंक यू शरबत। हट से ये लो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बर्गर किंग में। हाँ भाई, थक गए सफर कर करके, नींद इतनी आ रही, मैं तो सोते सोते आई हूँ। तो अभी हम लोग बर्गर खाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे, बस 3 घंटे और बचे हैं। 3 घंटे, हाँ 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे का सफ़र तो कंप्लीट कर लिया हमने, बस 3 घंटे बचे अब। चलो चलो। तो गाइस हमारा ऑर्डर भी आ चुका है एंड मेरे पास ये ट्यूब पैकेज था तो ये गर्म हो गया था, तो मैंने उनसे आइस लिया एंड एक ग्लास लिया कि ताकि आइस में डाल के मैं ठंडा करके पी सकूँ। सो अभी मैं खाते हैं फिर उसके बाद हम लोग खा के निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बर्गर किंग आए थे एंड उसके बाद मुझे मिले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। हमारी वर्षा यहाँ सब्जी की शॉपिंग कर रही है, अब वो फैमिली वाली हो गए हैं अपने किचन के लिए। अब हमें पकाकर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खुलाएंगी ये वर्षा। तो अभी जा रहे घर पे, तो सब्जियाँ तो है नहीं वहाँ पे, तो सब्जियाँ ले रही हूँ मैं यहाँ पे, टमाटर। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने क्वार्टर में एंड इसका हालत देख के ऐसा हो गया ना। किचन ऊपर तो ठीक है, पर ये देखो पूरी मिट्टी मिट्टी, एक मिट्टी आई कहाँ से, ये देखो यहाँ पूरा मिट्टी, हवा चल रही है। और तो बाप रे, और ये रूम कुछ ऐसा है। सो अभी इसमें तो तगड़ी सफाई होने वाली है, अभी पहले पहले सफाई करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे। ओह माय गॉड, बहुत काम है। वर्षा ने बोला चलो मम्मी झाड़ू लगाओ, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। नहीं नहीं पहले कपड़े तो चेंज कर लो, रेस्ट कर लो ना भाई, ऐसे में नहीं रेस्ट होता ये मिट्टी में। पूरा मिट्टी मिट्टी है भगवान। हाई गाइस, अनदर डे एंड सेम व्लॉग। तो कल रात को हम लोग पहुंच गए थे, कल रात नहीं शाम को पहुंचे थे, उसके बाद पूरा काम किया, सफाई की मम्मी और मैंने, झाड़ू पोछा, फ्रिज साफ करना, फिर बाथरूम साफ करना, सब कुछ साफ सफाई करने के बाद हमने बनाया था खाना। फिर खाना बनाने के बाद हम लोग खा के सो गए क्योंकि इतनी थकावट एंड इतनी गर्मी है गाइस, यहाँ पे बहुत गर्मी। पहले तो मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने बाल क्यों निकाला, अभी यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यस अच्छा वो मैंने बाल निकाल दिया है तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। तो कल मैंने रात को पुलाव बनाया था क्योंकि सब्जी चावल बनाना इतना झंझट इतनी गर्मी में, तो मैंने सोचा पुलाव बना देती हूँ। फिर मम्मी ने भी बोला हाँ पुलाव बना लो, तो कल रात को थोड़ा ज़्यादा पुलाव बच गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नाश्ते में हम लोग वही खाते हैं। तो अभी नाश्ते में तो मैं पुलाव गर्म कर रही हूँ, इधर चाय है और यहाँ पर मैंने कल चटनी भी बनाई थी। तो ये सभी नाश्ता करते हैं, साफ़ सफाई का काम तो सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे भी पूरा ये मिलाया मैंने क्योंकि यहाँ पे पूरा ना, यहाँ पे पूरा चीटी चीटी, इतने सारे चीटी लग गए थे एंड इतने सारे कॉकरोच भी थे। ओ माय गॉड, पूरे हालत ख़राब हो गई सफाई करते करते, पर ठीक है, अच्छा अच्छा हो गया कि साफ़ हो गया। तो कल जब हम लोग आ रहे थे तो हमने रास्ते से कूलर एंड इन्वर्टर भी ले लिया है, बट हम अपनी गाड़ी में नहीं लाए थे क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी। तो शॉप वाले ने बोला है कि वो यहाँ पे आज छुड़वा देंगे, तो आज हमारा कूलर एंड इन्वर्टर भी आने वाला है, तो ये सभी आएगा तो मैं दिखाऊँगी। तो हमारा कूलर भी आ चुका है,
क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है भाई, कूलर तो जरूरी है। जरूरी सामान का हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ताकि आपको भी पता लगे, आइडिया आए कि कैसा कूलर हमने लिया है। लिया है सो दिस इज आवर कूलर, ये हमारे गर्मियों का साथी। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं, एंड हमारा कूलर भी लग चुका है। तो देख सकते हैं हमारा कूलर भी लग चुका है, जस्ट अभी मैंने बंद किया है वीडियो बनाने के लिए। तो कूलर भी लग चुका है एंड इन्वर्टर भी लग चुका है, इन्वर्टर भी दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। यस, चाय पीते हैं। आज नीरज का आने का था बट फिर कैंसिल हो गया कि वो आज नहीं आएंगे। बस फौज का ऐसे ही है भाई, जब तक फिक्स पति घर पर आ नहीं जाते ना तब तक कुछ नहीं पता, कभी भी कैंसिल हो सकते, कभी भी आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। तो इसलिए अब तो मैंने सोचा जब वो आएंगे तभी देखते हैं। अभी पहले से मैं खुश हो गई नहीं बैठूँगी, हाँ आ जाएंगे। मैं आज इतनी खुश हो गई थी कि आ जाएंगे बोल के नीरज, बट कुछ नहीं बोल, बट क्या कर सकते हैं। ये चाय बनाते हैं एंड चाय पीते हैं। तो गाइस मेरी चाय भी बन चुकी है, मम्मी पापा को भी दे दिया मैंने चाय, सुबह भी चाय पीती हूँ एंड उसके बाद करते हैं रात की खाने की तैयारी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था इन्वर्टर लग चुका है, तो ये है इन्वर्टर हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है ना। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, कूलर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाप रे, आज तो दिन में कूलर की हवा खा के मज़ा ही आ गया। मतलब इतना ठंडा एकदम, वैसा तो नहीं देता कूलर हवा, बट पंखे से एंड कल हम लोग जो आए थे उस गर्मी से तो बेटर है। और गाइस जो हमारा ये लाइट था, ये लाइट ना ऐसे टेढ़ा हुआ था, आपने देखा होगा एक दो वीडियो में पिछली बार। तो अभी इसको हमने सीधा कर दिया क्योंकि आज ये इन्वर्टर फिट करने वाले आए थे, तो हमने इसको भी सीधा कर दिया। वो तो पापा ने बोला इसलिए याद आ गया और सीधा हो गया। एंड जो ये पंखे का डंडा था ना, ये भी एकदम ऐसे लटक रहा था नीचे की तरफ, तो वो भी फिक्स कर दिया। ऊपर ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ऐसे लगा के फिक्स कर दिया है। और भी छोटे मोटे जो काम थे वो करवाए हैं। और यहाँ का ये लाइट भी सीधा किया, ये भी टेढ़ा था। और ये एग्जॉस्ट फैन भी ख़राब हो गया था, इसको भी ठीक करवाया। तो आज जो इन्वर्टर फिट करने वाले आए थे तो उससे हमने पूरा छोटा मोटा जो भी हम लोग का काम था वो भी करवा लिया। जैसे हमने इन्वर्टर लगाया तो हम लोग ने कोई कोई स्विच में इन्वर्टर का वो कनेक्शन दिया है। ये जो किचन वाला स्विच है इसमें भी हमने इन्वर्टर का कनेक्शन दिया था, तो ये तार लगाते टाइम उन्होंने तोड़ दिया। तो अभी इसको देखते हैं, कुछ तो कुछ करके फिक्स तो करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग बना रहे हैं रात का डिनर, और मैं यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ, यहाँ पे मम्मी सेक रहे हैं, और उधर मम्मी बना रहे हैं बैगन आलू की सब्जी। वैसे तो मैं बनाती पर मैंने अभी तक एक बार भी बैगन आलू की सब्जी नहीं बनाई है, तो मुझे पता नहीं। एंड शादी से पहले एक बार मम्मी, हम सब दिल्ली गए थे शादी की शॉपिंग के लिए, तब मम्मी ने दिल्ली में एक बार बनाया था बैगन की सब्जी, और मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। उस टाइम मैं बैगन की सब्जी खाती भी नहीं थी, पर मम्मी ने बोला खाओ खाओ। अब शादी से पहले की बात थी तो मना भी नहीं कर सकते थे कुछ तो इसलिए मैंने खाया, और इतना टेस्टी था ना। तो फिर आज मैंने मम्मी को बोला कि वैसा ही बनाना, तो मम्मी सब्जी बना रहे हैं, यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं। फिर आप लोग बोलोगे सास को काम करा रहे हैं, ये गलत है भाई, पत्ती है भाई वर्षा, मुझे पता है ना भाई। हाँ। जिसको बात बनानी है ना वो, हाँ। बनानी है जिसको आदत होती है। हाँ। बस सही है। अभी वो एक हाथ से वीडियो बनाएगी है ना, तो फिर रोटी खाना बनाने लगेगी तो फिर वीडियो किस हाथ से बनाएगी, वो चार हाथ तो है नहीं, वही दो आगे दो पीछे वही ना। मैं खाना बनाती भी हूँ, काम करती भी, तो कोई कोई चीज़ तो मैं दिखाती हूँ कि हाँ मैं ऐसे कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। अब हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि सास को ज़्यादा काम कराती, खुद काम नहीं करती हूँ, पर मैं काम करती हूँ गाइस। अपने अपने जब उम्र में आएंगे सब काम करेंगे, हम कौन सा करते थे हाँ सही बात है, जब उम्र धीरे धीरे बढ़ने लग जाती तब फिर ओहो तब काम, दुनिया भर का काम करते हैं, फिर सबको अलग अलग आदत हो जाती है। पहले मैं भी जब घर पे मतलब हम लोग रहते थे तब, शादी से पहले मैं भी इतना काम नहीं करती थी, बट अभी शादी होने के बाद तो फिर करना पड़ता है, एंड एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि हाँ करना है। मेरा पसीना दिखाना जरा, ये देखो पसीना, ओह माय गॉड, मेरा भी ऐसी है पे, मम्मा का तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है, चर्बी है ना हाँ मेरे पास चर्बी नहीं, हड्डी ज़्यादा है। तो अभी भाई कूलर आके तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो बहुत इतनी गर्मी हो रही थी ना, बाप रे खतरनाक वाली। तो गाइस रोटी भी बन चुकी है, अभी इधर सब्जी बन रही है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, यहाँ पे तो बाप रे अब तो लगता है मुझे दिन में 4-5 बार नहाना पड़ेगा, बिल्कुल इतनी गर्मी, इतनी गर्मी।
सो अभी सब्जी तब तक सब्जी भी बन जाएगी, नहा के आते फिर नहा कर ही सब लोग डिनर करेंगे। तो गाइज मैं नहा के भी आ चुकी हूँ एंड आज का ज्यादातर ब्लॉग आपको किचन में मिलेगा। तो मम्मी इधर भागते हुए आए सब्जी डालने के लिए। तो अभी क्या हुआ था, मैं भी नहा के आ गई थी, मम्मी भी नहा के आ गए। तो क्या बोलते हैं, मम्मी ने बोला पापा को कि आपको नहाना है तो नहा लो फिर खाना खाएंगे। तो पापा ने बोला हाँ नहाना है, तो मैंने बोला हम दोनों तो नहा लिया, आप नहा लो फिर खाना खाएंगे साथ में। तो पापा ने बोला जब तक तुम खाना लगाओगे तब तक मैं नहा के आ जाऊँगा। फिर मम्मी ने बोला फालतू की बात करते हो, पापा इतनी देर से भागते हुए नहाने गए प्रूफ करने के लिए, अरे अब मम्मी भागते हुए सब्जी लगाने के लिए आए हैं। तो अभी देखते कौन, तो मम्मी ने बोला चल चल वर्षा तुम और मैं जल जल जाके सब्जी लगा दे। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अबे यार एक तो ये दोनों मियाँ बीवी कम दोनों 5-5 साल के बच्चे लगते हैं मुझे तो, इतना लड़ते हैं। खाना लग गया पापा। ये तो खाना भी रेडी हो चुका है, पापा भी एकदम नहा के आ गए, पापा ने प्रूफ कर दिया है पापा कि आप जल्दी नहा के आ सकते हैं। मम्मी को पापा ऐसे भागते हुए गए, मम्मी भी ऐसे भागते हुए खाना लगाने के लिए गए। जीत तो हमारी ही है। किसकी जीत तो हमारी ही है, ये हंस के तो हमारी जीत को भी हार में बदल देंगे। कौन वो? हाँ कम थोड़ा ही है। नीरज जैसे हंस रहे पापा तो बोल। पापा कौन जीता आप बताओ। चलो ये तो बिल्कुल है, ये जो है जितने प्लेट में खाना है ना, खाना डाला हुआ है वो सब जीते हुए हैं, क्योंकि खाना खाना था जल्दी से इसलिए फटाफट हमने किया और फटाफट आप लोगों ने लगाया और खाना तैयार। नहीं तो इन्होंने फिर खाना लग जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे मंडी में नहीं होते सब्जी बेचने वाले। पापा तो एकदम ऐसे भागते हुए जाए और भागते हुए आधी की तरह गए, तूफान की तरह आया। और पता नहीं ढंग से नहाए भी नहीं है, पूरी मैल मैल चिपके भी। और गर्मी के दिन में ना मतलब नहाने जाओ ना, मतलब पसीने से इतनी मैल पूरी निकल रही है, एक घंटा लगेगा मैल उतारते हुए। हम तो जैसे पैदा हुए थे श्याम रंग में थे और श्याम रंग में ही है, ना ही कोई मैल जमा है ना कोई परत बड़ी है, जैसे थे वैसे ही हैं। एक घंटे तक मरने का काम करते हो तो वही है, हम तो पहले भी श्याम रंग थे अभी भी श्याम रंग, ना मरने से फर्क पड़ता है ना दलने से। मैल तो मैल है, चाहे गोरा है चाहे काला है। बस 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 लड़ो मत, खाना खाओ खाना खाओ। तो गाइज हमने खाना भी खा लिया है, तो ये व्लॉग में ही पे ख़त्म करती हूँ। एंड गाइज मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं डाला उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। परसों मैं चंडीगढ़ में थी तो मैं पूरा दिन इतना बिजी थी किसी काम से, वो क्या काम है वो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, या तो बहुत ही बाद में पता चलेगा। जब वो काम सक्सेस हो जाएगा मैं आपको पक्का बता दूँगी। उसी चीज़ के लिए मैं पूरा दिन बिजी थी और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर आए कल, तो कल पूरा दिन हमने ट्रैवल किया, उसमें तो ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि पूरा रास्ते हम सो सो के आए थे, मम्मी भी मैं भी पापा ने तो पूरे रास्ते ड्राइव किया, तो इसलिए मैंने इतना व्लॉग नहीं किया। फिर शाम को यहाँ पहुँचे, शाम को यहाँ पहुँचने के बाद पूरा काम वाम ख़त्म किया, सफाई की, उसमें ही हालत ख़राब हुई, उसके बाद सफाई करने को जल्दी जल्दी खाना वाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर सो गए, बस यही था कल का दिन। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू व्लॉग नहीं किया था, बट जो मैंने 2 दिन गैप किया उसके लिए सॉरी। अब हाँ पर मैंने 2 दिन गैप क्या किया, आपने मेरी मम्मी के चैनल में जाके कमेंट किया है कि वर्षा दी ने व्लॉग क्यों डाला, वर्षा दी ने व्लॉग क्यों डाला, तो मैंने मम्मी का ऐसे कमेंट देखा था, तो मैंने उसमें देखा वर्षा दी का व्लॉग नहीं आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, है यार कितने प्यारे लोग, मतलब मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला तो आपने मेरी मम्मी के चैनल पर जाके कमेंट किया। और दूसरा मेरी जो दीदी है सिस्टर इन लॉ, उनको भी आपने इंस्टाग्राम में जाके मैसेज किया है कि वर्षा दी ने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला, तो उसके लिए सॉरी गाइस, आई नो कि मेरी गलती है। अब से मैं कोशिश करूँगी कि गैप ना हो, बट क्या करूँ इतनी गर्मी में, काम करूँ कि वीडियो बनाऊँ कि क्या करूँ समझ में नहीं आता, बट ठीक है फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग कर सकूँ, बना सकूँ एंड आपको डेली व्लॉग दे सकूँ। तो यस गाइज एंड ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।